hello children welcome back to my channel in today's video we are going to learn about division of decimals first of all we will do the division by 10 hundred and thousand as you all know if when we have done the multiplication we have the conclusion that multiplying by 10 the decimal is shift to the one plus right divide multiplying by 100 decimal is शिफ्टेड और मूव टू द टू प्लेसेज टू द राइट एंड इफ यू मल्टीप्लाई आर नंबर डेसिमल बाई थाउजेंड द डेसिमल इज़ मूव थ्री प्लेस टू द राइट मीन्स टेन से मल्टीप्लाई करने पर डेसीमल राइट साइड में वन प्लेस मूव करता है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने पर टू प्लेसेज मूव करता है राइट हैंड साइड में और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करने पर थ्री प्लेसेज मूव करता है राइट हैंड साइड में जस्ट अपोजिट डिवीजन में होता है डिवाइडिंग अ डेसीमल बाय टेन मूव द डेसीमल पॉइंट वन प्लेस टू द लेफ्ट ये मैंने आपको इसको एकदम शॉर्ट में बता दिया है अगर आप टेन से किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो वन प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा या वन प्लेस डेसीमल की वन प्लेस लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा ठीक है इसी तरह अगर हम हंड्रेड से डिवाइड करते हैं किसी डेसिमल नंबर को तो डेसिमल पॉइंट जो है वो टू प्लेसेस टू द लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा टू प्लेसेस लेफ्ट में मूव हो जाएगा इसी तरह थाउजेंड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो थ्री प्लेसेस लेफ्ट में मूव कर देगा ठीक है तो इसी को ध्यान में रखना है हमें बहुत लंबा चौड़ा आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं अगर टेन से डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट वन प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो टू प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा और थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो थ्री प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा ओके okay? सिपर बेस्ड ये कोई असेसमेंट हम करेंगे जल्दी से सेवन को टेन से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वन प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा इट मीनस अभी डेसिमल यहाँ है उसके बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो ज़ीरो पॉइंट सेवन हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो टू प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो थ्री प्लेसेस शिफ्ट होगा तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सेवन नाउ टू हंड्रेड सिक्सटीन टेन से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वन प्लेस शिफ्ट होगा ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स हंड्रेड से करेंगे तो टू पॉइंट वन सिक्स एंड थाउजेंड से करेंगे तो जीरो पॉइंट टू वन सिक्स जो डेसिमल है वो यहाँ से वन प्लेस टू प्लेस थ्री प्लेस मूव कर गया है नाउ जीरो पॉइंट एट वन इसके लिए डेसिमल लेफ्ट साइड में एक प्लेस मूव करेगा टेन से डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा पॉइंट जीरो एट वन हंड्रेड से करेंगे तो ये डेसिमल टू प्लेसेस मूव करेगा सो जीरो जीरो एट वन एंड थाउजेंड से करेंगे तो थ्री प्लेसेस मूव करेगा सो जीरो 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 एट वन ओके नाउ थ्री पॉइंट फाइव सिक्स फोर टेन से करेंगे तो हो जाएगा पॉइंट थ्री फाइव सिक्स फोर हंड्रेड से करेंगे तो डेसिमल टू प्लेसेस मूव करेगा ये हो जाएगा जीरो थ्री फाइव सिक्स फोर एंड थाउजेंड से करेंगे तो थ्री प्लेसेस शिफ्ट करेगा सो जीरो जीरो थ्री फाइव सिक्स फोर नाउ नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन एट टेन से करेंगे तो वन प्लेस शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा नाइन पॉइंट थ्री सेवन एट हंड्रेड से करेंगे तो टू प्लेसेस सो पॉइंट नाइन थ्री सेवन एट एंड थाउजेंड से करेंगे तो थ्री प्लेसेस सो जीरो नाइन थ्री सेवन एट ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन फुलंदा ब्लैंक्स नाइन पॉइंट सेवन थ्री को हम किससे डिवाइड करेंगे कि जीरो जो है वो टू प्लेसेस शिफ्ट किया है यहाँ पर देखिए ध्यान से इधर नाइन के बाद है इधर नाइन के बाद एक और डिजिट आ गई उसके बाद है उसके पहले है सो so यहाँ हमने डिवाइड किया है हंड्रेड से टू ज़ीरोज़ वाला हंड्रेड याद रखना है टू प्लेसेस अगर मूव हुए हैं तो टू ज़ीरोज़ होने चाहिए देन सेवेंटी पॉइंट सिक्स सेवेंटी पॉइंट सिक्स यानी टू डिजिट और लेफ्ट में आया है यहाँ पर भी इसका मतलब हंड्रेड से डिवाइड किया गया है नाव फोर डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो जीरो फोर इट मीन्स डेसिमल थ्री प्लेज हुआ है तो यहाँ पर थाउजेंड से डिवाइड किया गया है सिक्स पॉइंट एट थ्री के बाद है ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स एट थ्री इट मीन्स सिक्स के यहाँ था टू प्लेसेज लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो डिवाइड हुआ है यहाँ पर हंड्रेड से ना ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू फोर दो ज़ीरो हैं तो दो प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा मूव हो जाएगा डेसिमल थर्टी फोर पॉइंट टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू ज़ीरो शिफ्ट होगा वन प्लेस सो थ्री पॉइंट फोर टू ज़ीरो नेक्स्ट वन इज़ थर्टी डिवाइडेड बाई जीरो थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एलेवन पॉइंट टू थ्री सिक्स को थाउजेंड से डिवाइड किया ज़ीरो सॉरी uh, जो डेसिमल है वो थ्री प्लेसेस इधर शिफ्ट होगा तो जीरो वन वन टू थ्री सिक्स एंड जीरो सो वी हैव कम्प्लीटेड गिवन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री नाउ डिवीजन बाय अ काउंटिंग नंबर एक काउंटिंग नंबर से हम किस तरह से डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं इसके लिए जो सिंपल मेथड है कि नंबर को हम एज इट इज डिवाइड करते हैं बट ध्यान रखना है जैसे ही डिविडेंड में डेसिमल आता है उसी समय हमें क्वेश्चन में भी डेसिमल लगा देना है ठीक है जैसे सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं ट्वेंटी पॉइंट टू टू तो सिक्स थ्री या एटीन जैसे ही हम सेकेंड नंबर ले रहे हैं वो डेसिमल के बाद है तो यहाँ थ्री के बाद हम डेसिमल लगाएंगे और फिर एज इट इज जैसे हम डिवीजन करते हैं उस तरह से डिवीजन को कंप्लीट करेंगे ओके सेम एग्जांपल देखें यहाँ पर भी सेवेंटीन से डिवाइड किया है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट थ्री थ्री टू जब तक हम सेवनटीन ऐट वन थर्टी सिक्स वन फोर्टी वन से वन थर्टी सिक्स माइनस हुआ फाइव फोर को हम नीचे लेकर आए सेवेंटीन थ्री जब फिफ्टी वन ठीक है थ्री बचा अब इस थ्री को पहले नीचे लाएंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चन में भी डेसीमल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर डेसीमल है उसके आगे इसको डिवाइड करेंगे ओके okay? नाउ एक एग्जांपल यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें और चेंज है चेंज नहीं है एक तरह से इसका नेक्स्ट स्टेप है अगर हम नाइन पॉइंट टू को सिक्सटीन से डिवाइड कर रहे हैं तो सिक्सटीन से नाइन छोटा है इसलिए सबसे पहले हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे सिक्सटीन और उसके बाद हम नाइन टू नाइन एंड टू नाइन्टी टू को कंसिडर करेंगे सिक्सटीन फ़ाइव या एटी लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट डिजिट को देखा उसमें हम डिवाइड नहीं कर पाए हमने ज़ीरो लगाया यहाँ डेसिमल है तो हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे उसके बाद सिक्सटीन फ़ाइव या एटी नाइन्टी टू माइनस एटी इज इक्वल टू ट्वेल्व अब ये ज़ीरो नीचे हम लाए सिक्सटीन सेवन या वन हंड्रेड ट्वेल्व अब यहाँ ज़ीरो नहीं है लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया है तो हम जब तक हमारा डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगा हम यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर सकते हैं ठीक है इस ज़ीरो को हम नीचे लाएँ वन ट्वेंटी में सिक्सटीन सेवन जा वन हंड्रेड ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व अगेन एट फिर से हम ये ज़ीरो नीचे ले आए सिक्सटीन फाइव जा अगेन एटी और हमारा यहाँ डिवीज़न कंप्लीट हो गया है तो अगर हम यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ज़ीरो लगा लेते हैं जब तक कि हमारा डिवीज़न कंप्लीट नहीं होता है ठीक है वन मोर एग्जाम्पल यहाँ भी देखिए एटी से डिवाइड कर रहे हैं नाइन्टी फोर पॉइंट टू फोर को तो एटी वन जटी नाइन्टी फोर माइनस एटी फोटीन अब हमें टू को नीचे लाना है इसलिए पहले हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे वन फोटी टू फिर से वन एटी वन जटी आया सिक्सटी टू फोर को नीचे लाए एटीन सेवन ज फाइव हंड्रेड सिक्सटी ट्वेंटी फोर माइनस फाइव सिक्सटी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर अब क्योंकि हमें डिवीजन को कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा सकते हैं इस जीरो को नीचे लाए सिक्स हंड्रेड फोर्टी एटी एट जा सिक्स हंड्रेड फोर्टी और हमारा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया ठीक है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं नाइन्टी फोर पॉइंट टू फोर बाई एटी इसका मतलब है नाइन्टी फोर पॉइंट टू फोर बाई एटी ठीक एटी को हमने टेन से मल्टीप्लाई कर लिया ब्रेक कर दिया इसके बाद हमने जो इसका डे ये नाइन्टी फोर पॉइंट टू फोर को टेन से डिवाइड किया तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में आ गया नाइन पॉइंट फोर टू फोर एट अब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड इजीली कर सकते हैं ठीक है आंसर दोनों में सेम आएगा आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं अगर मेंशन किया गया है तो ही आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे अदरवाइज नॉर्मली आपको इसी तरह से डिवाइड करके डेसिमल्स को डिवाइड करना है ओके नाउ क्विक असेसमेंट ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स फर्स्ट इज फोर डिवाइड फोर से डिवाइड करना है फोर्टीन पॉइंट ट्वेंटी एट को फोर्टीन फोर थ्री 12 ट्वेल्व फोर्टीन माइनस टू 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 को नीचे लाएंगे इसके पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे फोर फाइव जा ट्वेंटी टू एट नाउ फोर सेवन जा ट्वेंटी एट एंड जीरो ओके नाउ सेकेंड पार्ट एट से डिवाइड करना है वन हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स को एट वन जा एट ट्वेल्व माइनस एट फोर नीचे लाएंगे टू एट फाइव जा फोर्टी टू अब यहाँ डेसिमल है तो पहले हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे उसके बाद सिक्स को नीचे लाएंगे एट थ्री जा ट्वेंटी फ़ोर अब टू रह गया है बट हम यहाँ डेसिमल लगा चुके हैं तो हम इसमें ज़ीरो लिख सकते हैं टू सॉरी एट टू जा सिक्सटीन ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन फोर अगेन हम ज़ीरो लगाएंगे एट फाइव जा फोर्टी अब हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया है आंसर हुआ फिफ्टीन पॉइंट थ्री टू फाइव नाउ थर्ड पार्ट एट से डिवाइड करना है फाइव पॉइंट ज़ीरो फोर अब फाइव एट से छोटा है पहले हम यहाँ ज़ीरो लगा लेंगे डेसिमल लगा लेंगे ना हम फिफ्टी को कंसीडर करेंगे एट की टेबल में एट सिक्स जा फोर्टी एट टू फोर नीचे लाएंगे एट थ्री जा ट्वेंटी फोर यहाँ हमारा डिवीजन कंप्लीट आंसर हुआ जीरो पॉइंट सिक्स थ्री फोर्थ पार्ट फोर्टी से डिवाइड करना है जीरो पॉइंट एट टू को फोर्टी जीरो पॉइंट एट टू जीरो तो छोटा है ऑब्वियसली यहाँ जीरो पुट करेंगे डेसिमल भी लगाएंगे अब एट को कंसिडर करेंगे जीरो फोर्टी ज़ीरो ज़ीरो एट नाउ, फर्स्ट यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो एट को नीचे लाएंगे ज़ीरो एट अब टू को नीचे लाएंगे तो फोर्टी टू जटी एटी टू माइनस एटी टू अगेन ज़ीरो लिखेंगे फोर्टी से ज़ीरो नहीं जाएगा ज़ीरो यहाँ लिखेंगे ज़ीरो ज़ीरो ट्वेंटी वन मोर ज़ीरो फोर्टी फाइव सा टू हंड्रेड नाउ और डिविजन इज़ कम्प्लीट एंड द आंसर जीरो पॉइंट ज़ीरो टू ज़ीरो फाइव नाउ फिफ्थ पार्ट ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करेंगे वन फाइव वन पॉइंट एट को नाउ ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करेंगे वन फिफ्टी वन को ट्वेंटी थ्री सिक्स ट्वेंटी थ्री सिक्स जा वन थर्टी एट वन फिफ्टी वन में से वन थर्टी एट माइनस करेंगे आएगा थर्टीन एट हम नीचे लाएंगे इसके पहले डेसिमल यहाँ लगा देंगे अगेन ट्वेंटी थ्री सिक्स जा वन हंड्रेड थर्टी एट एंड डिविजन इज कम्प्लीट आंसर इज सिक्स पॉइंट सिक्स Okay, so we have completed the quick assessment given on page number 126. In our next video, we will start with self practice 9F. Till then, take care of yourself. Bye bye.